हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुलदीप शर्मा एंड यू वाचिंग के एफ स्टीव चैनल। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम जो कैंट का आरओ है उसकी सर्विस करेंगे। उसके अंदर जो कैंडल है ये देखिए बिल्कुल ख़राब हो गई है, इसको चेंज करेंगे। इसकी वाटर सप्लाई को बंद करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको कर सकते हो। यहाँ पर ये देखिए, ये एक छोटा सा पॉइंट दिया होता है, इसको आपने बंद कर देना है, जिसके साथ की आपकी जो वाटर सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। इसको बंद करने के बाद जो आपकी ये कैंडलें हैं, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट पाइप लगी होती है। ये देखिए, ये जो पाइप है, ये पाइप है, ये इनपुट है, ये है, सॉरी, ये है आपकी इनपुट, ये है आउटपुट, ठीक है। यहाँ से पानी आ रहा है, इसके अंदर से कैंडल से घूमते हुए यहाँ पर निकल के हमारे फिल्टर के अंदर जा रहा है। तो अभी करना क्या है, दोनों जो इनपुट आउटपुट है दोनों को निकाल लेना, उसके बाद जो कैंडल है निकल आएगी, इसको हम साफ़ करेंगे। तो साफ़ करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे साफ़ करना, बड़ा ही आसान तरीका। आप 2 या 3 महीने के बाद इसको साफ़ करना ही करना है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ख़राब हो चुकी है कैंडल। तो इससे अच्छा है कि आप जो आरओ का पानी है ना ही पियो, अगर आप उसकी टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाते हो। अभी मैं खोलता हूँ इसको और खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने इसको निकाल लिया, यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ निकल गया। अभी जो इसका पानी है वो हम निकालेंगे, निकालने के बाद इसको खोलेंगे। इसको आपने ऐसे कर देना है, एक साइड से जो पानी है ऑटोमेटिक बाहर जाने लग जाएगा, ऐसे रख दो आप, 2 मिनट का वेट करो, उसके बाद ये पूरी खाली हो जाएगी। आपको इसका जो ढक्कन है ऊपर का वो खोल देना है। काफ़ी जगह क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट जो बोतल लगी होती है आउटर बॉडी की, वो नहीं होती है, वो वाइट कलर की होती है। बट वाइट कलर में आपको जैसे यहाँ पे पता लग जाता है, वो पता नहीं लगेगा। आप हो सके तो ट्रांसपेरेंट ही बॉडी लगवाएं जो बोतल होती है उसकी। यहाँ पे हमने जो ग्लास है उसको खोल लिया है, कैंडल निकल गई है, ये देखिए इसको साफ़ करना है। अभी इसकी कैंडल को भी बाहर निकालना, पहले इसका जो पानी है बचा कुचा उसको हम फेंक देंगे, कैंडल को बाहर निकालेंगे। ये कैंडल, ये देखिए यहाँ पे इसको काई लग गई है, तो काफ़ी जम्स लग गए हैं इसको, इसको चेंज करेंगे। कैंडल यहाँ पे साफ़ हो गई है, तो जो अंदर की कैंडल है वो ठीक थी, बट जो बोतल है उसके अंदर काई लगी हुई थी, तो उसको हमने नमक के पानी के साथ अच्छे से साफ़ कर दिया। अभी फिटिंग करके दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कैंडल साफ़ हो गई है, पानी की सप्लाई एक्टिव हो गई है, तो जो फिल्टर है ओके हो गया। अभी इसको चला के एक बार वाटर सप्लाई देखते हैं, जो एयर है उसको बाहर निकाल देते हैं। सर्विस हो गई है, जो हमारा कैबिन है उसकी भी सर्विस कर दी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।